438 एकड़ भूमि को बचाने के लिए किसानों का सब्र का बांध है टूट। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम दिनेशपुर में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने किया। आपको बता दें कि दिनेशपुर खुदीराम मिनी स्टेडियम में पवित्रित यंग क्लब की तरफ से स्वागनीय गुरु पद मेमोरियल फुटबॉल हर साल की तरह इस साल भी दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ सोहेल टीमों ने भाग लिया है। आपको बता दें इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों से परिचय लिया गया और टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद पहला फुटबॉल मैच नैनीताल और कलांगड़ के बीच खेला गया। खुदीराम बीस मनी स्टेडियम में शुभारंभ किया गया फुटबॉल टूर्नामेंट का। विधायक अरविंद पांडे ने किया शुभारंभ इस कार्यक्रम का, जो ये आयोजन हो रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट का। आप देख सकते हैं 15 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। ये हर साल ये कार्यक्रम मनाया जाता है और इस साल भी ये कार्यक्रम हो रहा है, फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। विधायक अरविंद पांडे ने इस कार्यक्रम का, इस फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। खुदीराम बिस मिनी स्टेडियम में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पंद्रह दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। आप देख सकते हैं कैसे बच्चे यहां पे फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक अरविंद पांडे ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैच गुरुशांत विश्वास मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के इस भव्य शुभारंभ की मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस देश के कोने कोने से, कई प्रदेशों से हमारे फुटबॉल के खिलाड़ी यहाँ हैं। मैं उन सभी खिलाड़ियों को मैं शुभाशीष देता हूं, भगवान से उनके लिए शुभकामना करता हूं कि ये बच्चे इस छोटे से गांव के स्टेडियम में खेल के इतना आगे बढ़े कि कल ये देश के लिए खिलाड़ी बने, इंटरनेशनल खिलाड़ी बने। मैं बच्चों को शुभकामना देता हूं। साथ ही आजकल नशे का कारोबार इस इलाके में बहुत बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यालय पौड़ी की सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी तथा विधायक राजकुमार पौड़ी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस पर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के सम्मान में नगर वासियों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील भी की। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है और पिछले 3 वर्षों से आप देख रहे हैं उनका आह्वान है घर घर तिरंगा, उसी के उपलक्ष्य में आज पौड़ी शहर में एक छोटी सी रैली निकाली गई है, जिसको भव्य तरह से हमारे माननीय विधायक जी, माननीय जिला पंचायत जी और हमारे अन्य पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे इसको निकाला गया है, जिसमें एक आह्वान हुआ है कि हर घर तिरंगा लगाए। माननीय मोदी जी के द्वारा जब 3-4 वर्षों से विगत यात्रा, तो महिलाएं हो, युवा हो, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, बुजुर्ग हो, सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हमारे ये तिरंगा यात्रा उन वीर शहीदों के लिए समर्पित है जिन्होंने कि भारत को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी थी और इस देश को
अंग्रेजों के चंगुल से जिन्होंने छुड़ाया, उनके लिए हमें यहाँ से इस चैनल के माध्यम से उनको सत सत नमन करती हूँ। और हमारे जो ये तिरंगा यात्रा निकल रही है, चाहे वो जिला मुख्यालय में हो, मंडल मुख्यालय में हो, शक्ति केंद्र के शक्ति केंद्रों में हो और बूथ, आज इस तिरंगा यात्रा गौरी में निकाली गई भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में, और इसमें सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, बढ़ कर भाग लिया है और पूरे बाजार को भ्रमण किया है। बहुत संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। आज तिरंगा यात्रा इसलिए आवश्यक है कि हम अपने अगली पीढ़ी को याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले जो सैनिकों ने, जहां पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में लगा है, वहीं जसपुर के एक समाज सेवी ने, आपको बता दें कि जसपुर के एक समाज सेवी ने अनोखी पहल करते हुए गरीब मजदूर तबके के लोगों को बड़ी राहत देने के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब रोगियों के लिए काशीपुर के नामचीन चिकित्सालय के VR डॉक्टरों द्वारा शिविर में एक्सरे और ब्लड जांच की जा रही है और हृदय रोग की निशुल्क जांच और 5 दिन की निशुल्क दवाइयां भी वितरण की गई। शिविर जो है KVR हॉस्पिटल के द्वारा डॉक्टर कमल सोलंकी जी के लगाया गया है, जिसमें हम लोग जो है घुटना कोला की जांच एक्सरे कर रहे हैं और BMD की निःशुल्क जांच कर रहे हैं, न्यूरोपैथी की निःशुल्क जांच कर रहे हैं। जिस घुटना कोला की हमारे यहाँ सर्जरी होती है आयुष्मान से भी और कैसे बदले, ये है कि लोगों को जिनको जागरूकता कम है कि घुटने के लिए कि घुटना कैसे बदला जाता है, कि दिक्कत कितनी आती है, तो उसको हम निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं डॉक्टर कमल सोलंकी जी के सौजन्य से, डॉक्टर मानसिक जी के सौजन्य से, डॉक्टर विवेक पाल जी के सौजन्य से। डॉक्टर कमल सोलंकी हमारे ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं। ये KVR हॉस्पिटल का कैसे लगवाया, जनता बहुत मजबूर हो रही थी, सरकारी अस्पताल जाती है वहाँ से दौड़ जाती है, तो जनता को देखते हुए हमने उनकी समस्या को देखते हुए KVR हॉस्पिटल का कैंप लगवाया। हमने समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर जाती है तो वहाँ पे दवाई ववाई सब देते हैं, जनता को देखते हुए हमने यहाँ पे कैंप लगाया गया है। एक यहाँ पे एक तरह के लिए 5 दिन की दवाई फ्री कराई है और BP की दवाई फ्री कराई है, शुगर की जाँच फ्री कराई है, कई बार लगाया गया और उसके बाद भी लगाते रहेंगे कैंप। बहुत परेशान है। समाज सेवी मोहसाद सम्राट के द्वारा कैंप लगाया गया है, यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन आला डॉक्टर आए हुए हैं काशीपुर के KVR हॉस्पिटल से और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सरे की मशीन भी आई हुई है और मैं भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और काफ़ी डॉक्टर आए हुए हैं, बहुत अच्छी सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध हैं और सबको बहुत अच्छी दवाइयाँ दे रहे हैं। मोहसाद सम्राट जो समाज सेवी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और शहर में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देहरादून में गांधी पार्क में स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क पहुंचे और पंचायती राज विभाग के स्वच्छता अभियान के वाहनों को 13 जनपदों के रवानगी के लिए हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही महात्मा गांधी की मूर्ति के चरण धोकर उन्होंने माल्यार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अभियान को लेकर कहा कि स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि स्वच्छता बनाए रखें। स्वच्छता अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम ना रहे बल्कि इसमें आम जन की भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। इस स्वच्छता का अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों पर, नालों पर महापुरुषों की मूर्तियां, अन्य मूर्तियां, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान है उस पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति संरक्षण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश पूरे राष्ट्र के लिए दिया है, उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर एक पेड़ माँ के नाम लगाए जाने का काम तेजी से चलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि चूंकि आज हमने 13 सफाई वाहन भी पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के लिए आज यहाँ से भेजे हैं।
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज है। वर्तमान में धामी सरकार में मंत्रिमंडल के 4 पद रिक्त पड़े हैं, जिसको भरने के लिए बीजेपी संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, ऐसे में अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम धामी की अंतिम दौर की वार्ता शीर्ष नेतृत्व से होनी है, उसके बाद जब भी मुख्यमंत्री चाहेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कि अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लोकसभा का चुनाव निपट चुका है और हमको भी अब लगता है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार राज्य के अंदर हो जाएगा। अंतिम दौर की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व से होनी है, उसके बाद जब भी मुख्यमंत्री चाहेंगे उसकी विधिवत रूप से घोषणा करेंगे। पहले बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरिद्वार के कनखल पहुंचकर लोगों को तिरंगा झंडा वितरित किया। भाजपा विधायक मदन कौशिक और अन्य भाजपा नेताओं के साथ भाजपाइयों ने घरों और दुकानों पर तिरंगा झंडा देकर लोगों से झंडा लगाने की अपील की। दुष्यंत गौतम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा लगाकर हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। ओलंपिक में भारत का ध्वज नहीं लहरा सका, लेकिन भारत 15 अगस्त पर ध्वज लगाकर उसकी कमी पूरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर ये राष्ट्रीय ध्वज है, घर घर तक लगना चाहिए, दुकानों पे लगना चाहिए, सभी जगह पहुंचना चाहिए, जिससे कि अपने मन में एक भाव होता है देश के प्रति। आज हम देख रहे हैं ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला तो हमारा ध्वज नहीं फहराया, बड़ा दुख है पूरे देश को, लेकिन उसकी भरपाई हम ध्वज द्वारा अपने घर पे भी लगाएंगे, मन में एक भाव पैदा होगा। देश हमेशा कुछ सब कुछ हमें देता है, हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए। रुड़की के नेहरू स्टेडियम से महाराणा प्रताप चौक तक बाइक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवा हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर निकले। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और बाइक तिरंगा रैली में खुद बाइक पर सवार होकर रैली का नेतृत्व किया। सीएम धामी के साथ बाइक पर बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरव कौशिक मौजूद रहे। बता दें कि तिरंगा रैली नेहरू स्टेडियम से होकर शुरू होकर मुख्य बाजार, नगर निगम, सिविल लाइन से होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर रैली का समापन हुआ। इस दौरान युवाओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस रैली का मकसद देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आम नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना है। इस तिरंगा रैली पर लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। वहीं बीजेपी नेता अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि नगर वासियों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला, सभी में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री जी आज हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत तिरंगा बाइक रैली में आए थे और पूरा रुड़की क्षेत्र जो है वो बाहर था, आप पूरे बाजार देख सकते हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह था और इस समय भी राष्ट्रभक्ति के पूर्ण सभी परिपूर्ण हो रखे हैं और इस समय आप माहौल देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई फेस्टिवल है और यही हमें करना भी है। हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर घर तिरंगा हम पहुँचा रहे हैं, तिरंगा फहराएं अपनी छतों में, अपनी बालकनियों में और राष्ट्र निर्माण में ये राष्ट्र धर्म भी निभाएं। युवा मुख्यमंत्री जब युवाओं के साथ निकलेंगे तो जोश और खरोश साथ तो निकलेंगे ही। उधम सिंह नगर के महुआ खेड़ागंज में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा और एसएच पब्लिक स्कूल के सौजन्य से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सामूहिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। ये तिरंगा यात्रा मदरसा शौरत हुसैन से शुरू होकर राजकीय इंटर कॉलेज रोड और मेन बाजार से होते हुए मदरसा
जरसा शौकत हुसैन पर जाकर संपन्न हुई। इसमें पहले तिरंगा रैली में स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा झंडा लेकर चल रहे थे और भारत माता की जय के नारा लगाते हुए चल रहे थे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कई वर्षों से पूरे देश के अंदर एक मुहिम चलाई है। देश की आज़ादी 70 वर्षों से अधिक होने के बाद भी जो लोगों के अंदर हमारे समाज के अंदर वो जागरूकता नहीं थी तिरंगे के प्रति, प्रभात फेरी के प्रति, तिरंगा यात्रा के प्रति, उस जागरूकता के रूप में बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी पिछले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि एक पेड़ मां के नाम से लगाने के लिए देश से अपील की थी। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम सोमनाथ मौर्य है। हमको फ्री राशन मिलता, हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा है हमारा बस। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाना। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था, अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे पूरे होते वादे। ताल ताल रोटी खा लियो, लाइट कदे भी जा सके से। नॉन स्टॉप काम में लाग रहे हैं दोनों, बस ही बीच में छोड़ के दो, खाना भी खा लो। भारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। स्वागत है आपका। चलिए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं खबरों की। बाजपुर की 5,838 एकड़ भूमि को बचाने के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसे एक साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन धरने पर बैठे किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। बीजेपी एवं कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार वादे किए जा रहे हैं कि समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। नेताओं एक के बाद एक खोखले साबित हो रहे हैं।
किसानों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए धरना स्थल पर बड़ी संख्या में भूमि बचाओ मुहिम से जुड़े किसानों एवं व्यापारियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। आंदोलन को और बड़ा रूप देने में सभी किसान एवं व्यापारी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसी मुद्दे पर किसानों और व्यापारियों की मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें नेताओं का विरोध करने पर सहमति बनी। नेता चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का, विरोध पूर्ण रूप से किया जाएगा। मगर जो पास हुआ वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने 5-6 दफा हमारे साथ वादे कर ले, पटना साहब बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब के सामने काशीपुर में भी उन्होंने कहा कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, फिक्र मत करो। वहां सिख सम्मेलन हुआ रुद्रपुर में, उसमें हजारों आदमी थे, उस समय वादा करा मुख्यमंत्री जी ने कि फिक्र मत करो, आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा। हमें 2 साल हो गए यहां आंदोलन करते हुए, भूखे प्यासे यहां बैठे, किसी ने शुद्ध नहीं हमारी ली आके कि तुम कैसे बैठे हो यहां पर। एक लोग हैं उनको 4 वर्ष पूरे हो गए कि 4 वर्ष पहले यहां के जो भूमिधरी अधिकार थे वो छीने गए हैं, और पुश्तैनी अधिकार थे जो आधी सदी से प्राप्त थे लोगों को। 3 साल तक लगातार टॉकिंग चली, बात चली सरकार के साथ, आज करते हैं कल करते हैं, और 3 साल के बाद 1 वर्ष पूरा भाजपुर की तहसील परिसर में हो गया है आज। और सरकार ने वादा करने के बाद, जैसा भी आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी ने भी 3-4 बार वादे किए लेकिन उन वादों पर खड़े नहीं उतरे। सांसद महोदय भी ने भी आश्वासन दिया था कि जीतने के बाद हम यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और जीतने के बाद उन्होंने भी शुद्ध नहीं है। तो हमारे पास भाजपुर के लोगों पर के पाक का जो अधिकार है वो। देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से उत्तराखंड अग्नि समन और आपात सेवा अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला भारतीय मानक अग्नि निवारण और रोकथाम के साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों से संबंधित भारतीय मानकों पर केंद्रित थी। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य आग सुरक्षा के उपकरणों की गुणवत्ता और मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस कार्यशैली की अध्यक्षता पुलिस उप मना निरीक्षक अग्नि शमन और आपात सेवा निवेदिता कुकरेती ने की। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से देहरादून शाखा के प्रमुख और निर्देशक सौरभ तिवारी ने बताया कि अग्नि शमन सेवा विभाग भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों का काफी हद तक अनुपालन कर रहा है। ये आज BIS के द्वारा हमारे यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि फायर और इमरजेंसी सर्विसेज से रिलेटेड था स्पेसिफिकली, कि क्या स्टैंडर्डाइजेशंस हैं जो कि यूज होने चाहिए, चाहे जो सामान हम खरीदते हैं या जो इंस्पेक्शंस पे हमारे लोग जाते हैं और बिल्डिंग्स मतलब फायर NOC प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए और BIS ने क्या मानक अडॉप्ट किए हुए हैं और क्या मानक इस संबंध में सभी लोगों को आज जो है BIS द्वारा ये एक दिवसीय प्रोग्राम था जिसमें हमारे सारे जनपदों के CFOs और FSOs और LFM और ऑफिस में जो हमारा स्टाफ कार्यरत रहता है, मानक स्थापित हैं और जो भी चैलेंजेस हैं उनके बारे में एक चर्चा हमने विस्तृत तौर पे करी, और ये जाना कि काफी हद तक जो भारतीय मानक है उनका अनुपालन फायर सर्विस डिपार्टमेंट कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।